सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। सो आज का ये टॉपिक है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने चार नेल पेंट लिए हैं आज, तो आप इनमें से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आपको जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, आप उसको उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर आप सोचिए कि जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ करिए। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से, जो कि है ब्लू नेल पेंट। इससे हम शुरू करेंगे। ये ब्लू नेल पेंट मीन्स थोड़ा सा ब्लू कलर जो है रॉयल्टी का प्रतीक होता है। तो देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड क्या कहता है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके जो क्रश हैं तो उनकी उनकी लाइफ में अभी थोड़ी से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, थोड़ी से सिचुएशंस हैं ऐसे जो वो नहीं चाहते कि वो ऐसी सिचुएशंस हों उनकी लाइफ में। थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। तो अभी आई थिंक अगर आप अपने क्रश को अप्रोच करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आप उनको प्रपोज करेंगे, या फिर आप कहने की कोशिश करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपका काम बनेगा। तो अभी तो आपके जो क्रश हैं वो अपनी लाइफ में थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो आगे जाके अगर वो सब सही होता है तो आपकी क्रश आपके लिए शायद अच्छा सोचते हों। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या कहता है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने पहले कार्ड में कहा है कि आपके क्रश जो हैं वो अभी किसी सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपके क्रश इस बारे में भी सोच रहे होंगे कि आप उनके, अगर उनको पता भी है कि आप उनको लाइक करती हैं या लाइक करते हैं, तो वो अभी कोई भी एक्शन लेने के मूड में है, लेकिन होप है अभी भी। अगर उनकी सिचुएशन सही होती है तो डेफिनेटली वो आपको शायद रिस्पॉन्स करें, क्योंकि अगर, या फिर तो अगर वो अभी पास्ट से, उनका पास्ट से कोई कनेक्शन है, या फिर पास्ट से अभी मतलब पास्ट में अभी उनके साथ कुछ हुआ है, तो वो उस चीज़ से अभी निकले नहीं है और उस चीज़ के लिए थोड़े से रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत किया है या फिर कुछ ऐसा है, बट ये थोड़ा सा अभी, जैसे ये अगर लव में कार्ड आता है तो इसको ये कहता है कि डिप्रेशन, और अगर वो किसी पर्सन को चीट किया है उन्होंने, तो उस चीज़ के लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्रश है वो आपको आपके साथ आगे आए रिलेशनशिप में, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि इसमें अभी भी होप है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए एंड शायद आपके साथ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करें। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। देखते हैं पाइल 2। दिस इज ब्राउन नेल पेंट, जिन्होंने ये चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि उनके क्रश उनके बारे में अभी क्या सोचते हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड जो है वो है एस ऑफ कप्स। तो वो वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये तो आपके बारे में आई थिंक अगर इनको पता है तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। वो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बस उनको लग रहा है कि अगर आप उनको बोलेंगी या आप उनको प्रपोज करेंगी तो डेफिनेटली वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि इसमें ये, अगर ऐसा होता है कि अगर आपने पूछा है कि आपके क्रश आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, या फिर आपके क्रश आपको आगे रिलेशन में रखेंगे, तो डेफिनेटली ये यस कार्ड है। तो एस ऑफ कप्स और नंबर 1। तो और सेकंड कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। तो ये भी दर्शाता है हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को, एबंडेंस को। अगर हो सकता है आप किसी पार्टी में इनको मिलें, गेट टुगेदर हो, या फिर अगर आप ये थोड़ा सा सोशल पर्सन भी हैं, इनका बहुत लोगों के साथ कनेक्शन है। मींस ऐसा कनेक्शन नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये थोड़ा सा सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये सब उनको बहुत लोग शायद रिस्पेक्ट भी करते हों, जानते हों। तो ये आपके लिए यस कार्ड है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं। देखते हैं पाइल 3 क्या कहता है। ये जिन्होंने शाइनिंग नेल पेंट चूज किया है उनके लिए देखते हैं पाइल 3 में आपके लिए क्या आया है। तो ये जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है। तो अभी तो थोड़ा सा
अभी इसमें नो है, आपकी क्रश शायद किसी सिचुएशन में हो, किसी सिचुएशन में हो सकते हैं डेफिनेटली, या फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। तो 8 नंबर इज इम्पॉर्टेंट टू यू। एंड देखते हैं सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड जो है वो द हर्मिट कार्ड है। ये थोड़ा ये रिवर्स में आया है, तो रिवर्स में अगर ये आया है कार्ड तो डेफिनेटली आपकी क्रश आपके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप उनको अप्रोच करेंगी या प्रपोज करेंगी तो डेफिनेटली आपकी क्रश आपके बारे में सोचेंगे। तो ये इट्स अ होपफुल कार्ड फॉर यू। तो आप कोशिश कीजिए, जिस सिचुएशन में भी वो फंसे हुए हैं उस चीज़ से अगर बाहर आते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगी। तो ये थी हमारी पायल 3। पायल 4 पे चलते हैं। जिन्होंने ये वाइट शाइनिंग नेल पेंट चूज किया है, तो देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स में आया है, तो इनको ये, या फिर तो इनको अगर पता है तो इनको की पता है कि आप इनको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं। और अगर आपका इनसे, अगर आपका इनसे कुछ भी रिलेशन चल रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ भी आपने प्रपोज किया हो, या फिर आपकी बातचीत शुरू हो गई हो, या फिर कुछ भी ऐसा, तो अभी उनको ये नहीं पता है कि इस लव में ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो ये अभी श्योर नहीं है, ये डाउट में है थोड़ा कि आपके साथ वो आपके साथ आगे रहें या ना रहें। तो मैं ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ये देखते हैं आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली अभी तो अभी ये कार्ड, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो इसमें 10 नंबर इज इम्पोर्टेंट टू यू, बट इसमें अभी आपका समय का पहिया नहीं घूम रहा है। तो अभी आप वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। हो सकता है आपके क्रश जो हैं वो आपको पसंद करने लगें, या फिर अभी तो लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि आपके क्रश आपको थोड़ा सा अभी कुछ अटेंशन देंगे। अगर दे भी रहे हैं तो उस तरीके का अटेंशन आपको अभी नहीं मिल रहा है, आई थिंक कि वो रिलेशनशिप में आए। तो अभी अगर ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है वो अगर अपराइट में आ जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, पॉजिटिविटी आएगी और आपके रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आई है मेरी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।